सब लॉकडाउन की इस कार्रवाई से वर्तमान में गुजर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया है कि लॉकडाउन की कार्रवाई पूरी तरह सफल रहे। इस उद्देश्य से प्रदेश के अंदर अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में आप सबको अवगत कराने के लिए ही मैंने आज आपका यह अमूल्य समय लिया है। मैंने वैसे अपने कार्यालय से भी इस बारे में स्पष्ट कहा था कि जो भी हम लोगों ने कदम प्रदेश के अंदर उठाए हैं उन सब से प्रदेश से जुड़े हुए सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों से मंत्रियों को और उत्तर प्रदेश के सभी माननीय सांसदों को भी इससे अवगत करा दिया जाए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा, बहुत सारे लोगों को अभी ये प्राप्त नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रयास में प्रयास कर रहा हूं कि आज मैं स्वयं भी आपको इन सब चीजों से अवगत करा दूं। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कोरोना पॉजिटिव के कुल 275 मामले सामने आए हैं और इनमें से आधे से अधिक पिछले 3 दिन के अंदर बढ़े हैं, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े हुए 138 मामले हैं। शेष 137 ये अलग अलग जगहों से आए हुए वे लोग थे जिन लोगों के कारण प्रदेश के अंदर ये स्थिति संवेदनशील हुई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक तबलीगी जमात से जुड़े हुए 1499 ऐसे लोग चिन्हित किए हैं, जिनमें 385 के आसपास विदेशी भी हैं। इन सब को हम लोगों ने क्वारंटाइन में डाला है, जहां पर जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास किया है तो वहां पर उसके अनुरूप हम वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की कार्रवाई 25 मार्च से प्रारंभ हुई, आज इसका 12वां दिन है और सफलतापूर्वक कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश के सभी 23 करोड़ लोगों का समर्थन और सहयोग मिल रहा था। पिछले 3 दिनों के अंदर काफी मामले बढ़े हैं प्रत्येक प्रदेश के अंदर और इनमें जो मैंने आपको बताया कि 138 जो मामले हैं वह तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके लिए पहले ही लॉकडाउन की इस कार्रवाई के साथ ही हम लोगों ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में 11 कमिटियां गठित कर दी थी, जो प्रदेश के अंदर आम जन से जुड़े हुए उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिदिन एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। और इस दिशा में पहली कमेटी जो हम लोगों ने गठित की वह थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। यह कमेटी दो प्रकार का कार्य इसके पास था, एक भारत सरकार के साथ संवाद बनाना, इसके साथ ही इस कमेटी को यह दायित्व दिया गया था कि वह अवेयरनेस के कार्यक्रम, लॉकडाउन के बाद हम सभी जानते थे कि बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश के वे लोग जो देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर रहते हैं वे सभी लोग उत्तर प्रदेश में आने का प्रयास करेंगे। बड़ी लगभग 15 से 20 लाख की इतनी बड़ी आबादी है जो उत्तर प्रदेश के बाहर अलग अलग राज्यों में निवास करती है, वहां पे रोजी रोजगार के लिए गई है, वे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आने का प्रयास करेंगे तो उन संबंधित राज्यों में ही इनको ये सुविधा प्राप्त हो सके, इसके बारे में यह कमेटी कार्य करेगी और व्यापक जागरूकता के लिए अपीलें जारी करवाएगी। यह कमेटी अपने स्तर पर कार्य कर रही है। दूसरी कमेटी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की,
इस कमेटी के द्वारा केंद्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण से संबंधित जो पैकेज है उस पैकेज और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने जो गरीबों के लिए पैकेज की घोषणा की थी उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सके इसके लिए कमेटी प्रदेश के अंदर कार्य करेगी। तीसरी कमेटी हम लोगों ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की। ये कमेटी प्रदेश के अंदर सप्लाई चेन को मेंटेन कर सके और कहीं भी किसी भी स्तर पर सप्लाई चेन बाधित न होने पाए इसके बारे में यह कमेटी निरंतर कार्य करेगी और यह कमेटी वर्तमान में भी इसी रूप में कार्य कर रही है। चौथी कमेटी अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में बनाई गई। यह कमेटी लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ साथ जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए भी कार्य करेगी। पांचवी कमेटी अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में बनाई गई जिसने प्रदेश के अंदर कंट्रोल रूम हर जनपद में कंट्रोल रूम के साथ साथ सेल्टर होम आदि बनाने की कार्रवाई इस कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। छठवीं कमेटी हम लोगों ने जो बनाई थी वह प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज के नेतृत्व में जो पेयजल की आपूर्ति विद्युत की आपूर्ति के साथ ही स्वच्छता और सैनिटेशन की कार्रवाई को पूरे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके यह कमेटी आज भी उस पर कार्य कर रही है। सातवीं कमेटी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अध्यक्षता में थी जो कमेटी प्रदेश के अंदर कोविड लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री के हॉस्पिटल की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की दवा है पीपीई है N95 मास्क है ट्रिपल लेयर मास्क है या फिर थर्मल एनालाइजर है आदि किसी भी चीज की कमी न पड़े इस पर कार्य करेगी उनके मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाएगी और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करने के साथ ही वह प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी चिंता करेगी। यह कमेटी सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। एक कमेटी हम लोगों ने बनाई थी अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में केंद्र और प्रदेश के पैकेज के साथ ही अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव और अन्य गरीब कल्याणकारी कौन सी योजनाएं लागू की जा सकती हैं इन सब पर एक कमेटी कार्य कर रही है और हमारी भावी योजनाएं क्या होनी चाहिए इस पर वो कमेटी कार्य कर रही है। एक कमेटी डीजीपी की अध्यक्षता में जिस कमेटी ने प्रदेश के अंदर फोर्स को कोरोना महामारी से बचाव करने के उपायों के साथ ही पुलिस लाइन थाना चौकियों में पीएसी की जितनी बहानियां हैं उनमें और जेलों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने के साथ ही फोर्स को हर हाल में बचाने के सामने कार्यक्रम किया जा सके जहां पर सप्लाई चेन में थोड़ी कमी दिखाई दे वहां पर यह कमेटी पीआरबी 112 की सेवाओं को भी उपयोग करते हुए लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाने का कार्य कर सके इस दिशा में यह कमेटी कार्य कर रही है। और एक कमेटी हम लोगों ने जो 11वीं कमेटी है वह एक कमेटी 10वीं कमेटी प्रमुख सचिव पशुपालन के अध्यक्षता में इस दौरान कहीं भी पशुओं के चारे की समस्या न होने पाए पशुपालक जो दुग्ध उत्पादन करते हैं मार्केट में पहुंच सके इसकी चिंता कर सके इस पर वो कार्य कर रही है। और 11वीं कमेटी प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता की कमेटी जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कर सके इस पर चिंता कर रही है कार्य कर रही है। आप सब जानते हैं कि 1,70,000 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गरीबों के लिए किसानों के लिए महिलाओं के कल्याण के लिए लॉकडाउन की इस कार्रवाई के दौरान घोषित किया। प्रदेश सरकार ने भी इसी तर्ज पर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए
और समाज के अलग अलग तबके के लिए अलग अलग पैकेज को पहले घोषित किया था और उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसमें खासतौर पर आप सब जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और जिसमें आप लोग लगातार इस पर कार्य भी कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पहला कार्य किया है वह उसमें प्रदेश के अंदर जो सबसे पहली कार्रवाई हमारे स्तर पर यहां पर प्रारंभ हुई कि प्रदेश के अंदर जिन लोगों का खासतौर पर निर्माण श्रमिक है, ये 20 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड हैं, इन लोगों को व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने 1,000 रूपये का भरण पोषण भत्ता लेबर सेस से देने की कार्रवाई प्रारंभ की और इसमें 10 लाख से अधिक श्रमिकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को अब तक हमने भेजने में सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार से मनरेगा के मजदूरों की, इसमें लगभग 88 लाख मनरेगा के मजदूर हैं जिनका प्रदेश के अंदर काफी दिनों से मनरेगा की मजदूरी बाकी थी, तो उसका भी एक मुश्त 871 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और पुष्टावस्था पेंशन, ये 4 प्रकार की पेंशन की योजनाएं हैं। इन सभी पेंशन धारकों को 2-2 महीने की एडवांस पेंशन हम लोगों ने अभी 87 लाख परिवारों के खाते में अभी देने की कार्रवाई संपन्न की है, उन सबके अकाउंट में पहुंच चुकी है। पहली अप्रैल से हरेक कार्ड धारक को राशन देने की कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है, जिसमें मनरेगा मजदूर हैं, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, इन सभी लोगों को हम लोगों ने पहली अप्रैल से निःशुल्क राशन देना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सफलतापूर्वक हरेक स्तर पर प्रारंभ किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, जिन 2-3 चीजों में आपकी जनता से सीधे संवाद होने के कारण जिसमें आपका बड़ा योगदान हो सकता है, उन गरीबों तक इन योजनाओं का लाभ आपके द्वारा माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, उसमें खासतौर पर एक हमने प्रदेश के अंदर ठेला, खोंचा, रेड़ी, ई रिक्शा, पल्लेदार, इन सब के लिए भी 1,000 रूपये की भरण पोषण के भत्ते की घोषणा की है, लेकिन इसमें से ज्यादातर लोगों के अभी तक अकाउंट नहीं मिल पाए हैं। उनके बैंक अकाउंट उपलब्ध करवाने के साथ ही जनपद स्तर पर इनके अकाउंट में 1,000 रूपये की राशि जिलाधिकारी के द्वारा सीधे दी जा सकती है। दूसरा कार्य, प्रदेश में एक बड़ी संख्या में इस दौरान लगभग 3-3.5 लाख के आसपास बाहर से वे लोग आए हैं जो अलग अलग राज्यों में काम करते थे और लॉकडाउन के बाद जब वहां कार्य बंद हुआ तो वे लोग वहां से छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आए हैं, बड़ी मात्रा में आए हैं। इन लोगों में बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट नंबर भी नहीं है। इनके अकाउंट नंबर खुलवाना, इनके राशन कार्ड बनाना और फिर इन्हें राशन की सुविधा हर जनपद में उपलब्ध कराने के साथ ही अगर इनके अकाउंट नंबर मिल जाते हैं तो इनके खाते में भी 1,000 रूपये की भरण पोषण की राशि इनके अकाउंट में भी दिलवाने की व्यवस्था सभी के अकाउंट में की जा सकती है। ये पारे ये 2 कार्य आपके स्तर पर भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए भी इसका कार्य किया जा सकता है और जनपद स्तर पर भी जिलाधिकारियों से इसके बारे में आपके द्वारा संवाद स्थापित हो तो उसके माध्यम से भी इस कार्य को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कार्य हर जनपद में हम लोग कर सकते हैं, इसमें मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा। दूसरा, प्रदेश की एक बड़ी वर्कफोर्स हमारे अन्य राज्यों में निवास करती है या अन्य राज्यों के बड़े लोग उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ की लगभग 10 लाख लोग उत्तर प्रदेश में वे निवास कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग में, कोई भट्टों में, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं।
वे सभी उत्तर प्रदेश में हैं, उन सबको हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था दी है, उनके भरण पोषण की व्यवस्था यहां पर की है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। जो जो लॉकडाउन के दौरान बंद भी हैं, हम लोगों ने अपने औद्योगिक और अवस्थापना विकास आयुक्त को इस बात के लिए नियुक्त किया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बंदी के दौरान स्कूल हो, कॉलेजेज हो, हॉस्पिटल हो, उद्योग हो, भट्टे हो, इनमें जो लोग कार्य करने वाले हैं इनके मानदेय को कोई रोकेगा नहीं, बल्कि इनका मानदेय इन तक जरूर पहुंचे और इस पर कार्रवाई युक्त स्तर पर चल रही है। और मुझे लगता है ये कार्य हर एक स्तर पर हर एक कमेटी सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी हम लोगों ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, 16 आईएएस अधिकारी और 16 आईपीएस अधिकारी अलग अलग राज्यों के लिए नियुक्त किए हैं। इनकी पूरी सूची भी मैंने आप सबके पास भिजवाने के लिए कहा है और आपके पास उस सूची संभवतः पहुंच भी गई होगी कि वे लोग वहां के सरकारों के साथ, मैंने स्वयं भी सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ पत्र व्यवहार भी किया है, जहां आवश्यकता थी वहां बातचीत भी किया है, लेकिन साथ साथ नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं जो इन सभी की समस्या का समाधान करने का कार्य उन संबंधित राज्यों में करने का कार्य कर रहे हैं और काफी हद तक पूरे देश के अंदर इन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दिया है। और प्रत्येक नागरिक इस बारे में जानता है कि लॉकडाउन की ये कार्रवाई कोरोना वायरस से बचाने के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हरेक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर इस पूरी कार्रवाई में अपना सहयोग भी कर रहा है। हम सब पब्लिक को अगर इसके बारे में थोड़ा भी अवेयर कर लें और शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे दें, एक बहुत बड़ा कार्य इस संबंध में हो सकता है। मैं प्रतिदिन प्रदेश के इन सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके एक बार रिव्यू लेता हूं, हर एक जनपद में किस कमेटी के द्वारा कौन से कार्य संपन्न हो रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि कमोबेश प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में न केवल कम्युनिटी किचन के माध्यम से, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से, अपितु तमाम सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने और विभिन्न अन्य संगठनों ने भी राहत कार्यों के माध्यम से इस आपदा की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अपना भरपूर सहयोग किया है और पूरी कार्रवाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज इसी का परिणाम है कि अगर ये तबलीगी जमात की पिछले 3 दिनों के अंदर की ये सब चीजें सामने नहीं आती तो अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस के इस संक्रमण को फैलने से काफी हद तक रोक चुके थे और ये कार्रवाई सफलतापूर्वक और आगे बढ़ सकती है। हम अभी बहुत सतर्कता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो 138 लोग पिछले 3 दिनों के अंदर पकड़े भी गए हैं, इन्हें सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज करके इन सबको वहां पर अलग से सुरक्षित किया गया है। अब आज से उनके कॉन्टेक्ट से जुड़े हुए लोगों को भी चिन्हित करके इस कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी कि आप सब ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के स्तर पर, शासन स्तर से आपकी जो अपेक्षाएं होंगी, खासतौर पर हमारी जो 11 कमेटियां हैं उन कमेटियों से 16 जो नोडल अधिकारी हैं, इसमें 16 आईएएस सीनियर अधिकारी हैं और 16 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को हम लोगों ने तैनात किया है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनपद से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं का समाधान संबंधित राज्य सरकारों के साथ संवाद बनाकर के उसका समाधान करेंगे। और अगर कहीं भी कोई समस्या ऐसी हो कि जिसमें मुझे वहां बात करने की आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग स्वयं मुझे इसके बारे में अवगत भी करा रहे हैं। आपने अधिकतर माननीय सांसदों ने अपने अपने स्तर पर या केंद्रीय मंत्रियों ने अपने स्तर पर अपने संसदीय क्षेत्र में व्यापक राहत के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है और हर एक जगह उसकी काफी
वहां पर लोगों के द्वारा सराहना भी की जा रही है, हर एक स्तर पर मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं और सचमुच आपदा की इस घड़ी में की जाने वाली सेवा जनता जनार्दन को तो राहत देती ही है, अपने जनप्रतिनिधि के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति भी जनता के भावों को प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा अवसर होता है और ये इस समय पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। भारत सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है, पूरे देश के अंदर उसकी बड़ी सराहना हुई है और गरीबों को इतना बड़ा पैकेज पहली बार पूरे देश के अंदर मिला है। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि प्रदेश सरकार के स्तर पर, क्योंकि अभी आज सायंकाल रात्रि 9:09 का जो घर की लाइट को बंद करके अपने घर की बालकनी में या छत में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दीपक या एक मोमबत्ती या मोबाइल फोन की लाइट अथवा टॉर्च जला करके कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बारे में जिस एक अभियान को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको आगे बढ़ाना है, उस अभियान का हिस्सा बनने के साथ ही हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, खासतौर पर 15 अप्रैल से, आज 12वां दिन है लॉकडाउन का, 15 अप्रैल को इस समय सीमा समाप्त होती है, 15 अप्रैल को एकाएक भारी भीड़ सड़कों पर न आने पाए, इस दिशा कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, इस दिशा आपके अमूल्य सुझाव हमारे लिए, राज्य सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे और मैं इसमें चाहूंगा कि कुछ माननीय केंद्रीय मंत्रियों से, विभिन्न माननीय सांसदों से आज कुछ से संवाद हो पाएगा, बाकी सबसे संवाद होना कठिन होगा क्योंकि आपका भी समय है और मुझे भी एक दूसरे कार्यक्रम की जिससे अपने अन्य कार्यक्रमों में भी अपना जाना है, तो मैं चाहूंगा अगर आपके मूल्य सुझाव हमें मिलेंगे तो हम उस प्रकार की स्ट्रेटेजी आगे के लिए अपना तैयार करने में हमें मदद मिल जाएगी। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है कोरोना वायरस के खिलाफ जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उस सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए 15 अप्रैल के बाद की कार्रवाई को भी हम फेस वाइज कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दृष्टि से मैं आपके अमूल्य सुझाव का भी इस संबंध में यहां पर हम लोग आपका मैं उसका स्वागत करूंगा। एक चीज जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जब कोरोना वायरस का पहला पेशेंट प्रदेश के अंदर 3 मार्च को चिन्हित हुआ था, उस समय प्रदेश के अंदर एक भी हमारे पास लैब्स नहीं थी। आज हमारे पास कोरोना जांच के लिए 8 हमारे पास टेस्टिंग लैब्स प्रदेश के अंदर हम लोग स्थापित करने में सफल हो चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंदर L1 लेवल के हॉस्पिटल सभी 75 जनपदों में हम एक एक हॉस्पिटल तैयार कर चुके हैं। L2 लेवल के 51 हॉस्पिटल हम लोग अब तक अपने प्रदेश के अंदर स्थापित कर चुके हैं और हमारा प्रयास है कि सभी जनपदों में L1 और L2 लेवल के कोविड हॉस्पिटल स्थापित हों। L3 लेवल के हॉस्पिटल हम लोग अभी तक 6 स्थापित कर चुके हैं। इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर हमारा करने का प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक की कोई समस्या ना होने पाए, दवा की सप्लाई चेन बनी रहे, प्रदेश के अंदर पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स उपलब्ध हो सके, प्रदेश के अंदर PPE के मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा सकें, ऐसी 6 यूनिट वर्तमान में प्रदेश के अंदर एक को ICMR ने अपनी सहमति दे दी है, वह प्रोडक्शन यहां पर प्रारंभ करने जा रहा है। 6 अन्य के सैंपल अभी हम लोगों ने भेजे हुए हैं, अगर वे पास हो जाते हैं तो इतना PPE के निर्माण की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती है। N95 मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क भी प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर बनाने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं, क्योंकि प्रारंभिक समय में जब कोरोना की आहट सुनाई दी थी,
सैनिटाइजर के दाम अचानक बहुत तेजी के साथ प्रदेश के अंदर बढ़े थे, लेकिन हम लोगों ने जितनी भी डिस्टिलरी प्रदेश के अंदर है इन सब को हम लोगों ने अल्कोहल से सैनिटाइजर बनाने के लिए इन सबको लाइसेंस जारी किए और आज पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर प्रदेश के अंदर मौजूद है व उसकी उपलब्धता की कोई कमी नहीं। और भी अन्य इससे संबंधित जो भी हमारे पास मशीनें हो, कोई भी इस प्रकार की आवश्यकता है, इन सब के बारे में हमारा प्रयास है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर आसानी से उपलब्ध हो सके। इसी दिशा में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना एक कोष स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश कोविड केयर कोष के नाम पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यहां पर तमाम माननीय विधायकगणों ने, प्रदेश से जुड़ी हुई विभिन्न विभागों ने भी इसमें अपना अपना योगदान करना प्रारंभ कर दिया और इस कोष का उपयोग ही प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो खासतौर पर कोविड केयर के लिए जिसका उपयोग किया जा सके, टेस्टिंग लैब्स की स्थापना के लिए, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री के हॉस्पिटल्स की एक चेन को खड़ा करने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा कि इस मामले में जहां कहीं भी आपको लगता है कि इस आपके इस प्रयास से इस कार्यक्रम को एक नई गति मिल सकती है, प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के सहयोग से इस प्रकार का एक कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है, मुझे इस संबंध में आपके सुझाव का स्वागत मैं स्वागत करूंगा। और साथ साथ मैं चाहूंगा कि 15 अप्रैल के बाद की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम बनाए रखने में सफल हो जाएंगे तो कोरोना वायरस को हम अवश्य प्रदेश के अंदर पूरी तरह समाप्त करने में और देश के अंदर पूरी तरह रोकने में सफल होंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ